लगभग हर हफ्ते ट्रेन जाती है तीर्थयात्रियों को लेके। आज भी 780 लोग जा रहे हैं तीर्थयात्रा में। जैसा बताया गया कि अभी तक 82 ट्रेन जा चुकी हैं और लगभग 80,000 तीर्थयात्री तीर्थयात्रा करके आ चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई ट्रेन जाए तो उनको विदा करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आऊं, यहाँ पे सबसे मिलके जाऊं और आप सब लोगों को अच्छा अच्छा विदा करके जाऊं। तो आज भी आप लोगों से मिलने के लिए मैं चला आया और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं। अक्सर इन सभी ट्रेन्स में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। उसका एक कारण ये भी है, जैसा भी आतिशी ने बताया, अपने समाज में आदमी तो फिर भी काम के सिलसिले में इधर उधर पूरा घूम आते हैं, महिलाओं को मौका नहीं मिलता। उनकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लालन पालन में बीत जाती है और जब भी वो महिला अपने आप को पीछे ही रखती है, सब कुछ अपने परिवार के लिए करती है। इसमें एक मौका मिल जाता है जाने का। और दूसरा ये भी है कि मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर जाती हैं तो एक मन भी लग जाता है। रास्ते में आप जाओगे, देखना, मंदिर तो देख के आओगे ही आओगे, लेकिन रास्ते में जो आपका जो ट्रेन की यात्रा है, इसमें बहुत मजा आएगा। सारी यात्रा सफर आपका भजन कीर्तन करते हुए जाएगा, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगी ये यात्रा। और कई सारा मैं देखता हूँ, पूरे के पूरा मोहल्ला जाता है, लेकिन नहीं भी जाएगा तो आपके सारे नए दोस्त बन जाएंगे, पूरी ट्रेन आपकी दोस्त बन जाएगी और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बस थोड़ी ठंड है, अपना ख्याल रखना। मेरे को पता है हर एक के साथ कोई ना कोई जवान आदमी अटेंडेंट के तौर पे भी जा रहा है, तो आप सब लोगों को अपने बुजुर्गों का सबको ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में सर्दी लग जाए। वैसे तो ट्रेन में डॉक्टर का भी इंतजाम है। हमने कोशिश की है रास्ते में आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी अगर कमी बेशी हो तो पहले से ही मैं माफी मांग लेता हूँ। वैसे तो जितने यात्री यात्रा करके आते हैं उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, तो जितनी कमियां हैं उनको हम दूर करते चले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मैं पहले एडवांस में आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ।